श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने श्री फतेहगढ़ साहब जिले के पिंड कमाली के वरिंदर सिंह नां दे व्यक्ति वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे आपत्तिजनक अति आपत्तिजनक शब्दावली बोलन का गंभीर नोटिस लेंदिया पंजाब सरकार पासों दोषी खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दस दी कि उन्होंने यह भी आख्या है कि पंजाब अंदर पिछले कुछ समय तो लगातार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी से सोशल मीडिया से गुरु साहिबान प्रति निरादर घटनावां अक्सर ही वापर रही हैं। इसलिए सरकार इन्हां मामलों गंभीरता नाल लैंदिया अजिहे शरारती अंसर के पिछे काम कर दियां शक्तियों नशर करे। उन्हां पंजाब सरकार ने इस मामले च दोषी व्यक्ति खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाउण दे लई भी आख्या। एडवोकेट धामी ने कहा कि अजिहियां घटनावां जिथे समुचे सिख जगत दियां धार्मिक भावनावां नूं गहरी सट मारदियां ने उत्थे इह पंजाब दा माहौल भी खराब करदियां ने, माहौल दे विच कुड़त्तन पैदा करदियां ने। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने दसम पातशाह बारे अपमानजनक शब्द बोलन वाले व्यक्ति विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवाने वाले सिखा की भी शलाघा की है। वचनबद्धता प्रगटाई है कि सिख संस्था श्रोमणी कमेटी इस मामले में उन्होंने हर पद्धर से खड़ी है। उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्ति को सख्त सज़ा यकीनी बनाना साडा सारिया का संभव होना चाहिए तो सारे के सहयोग के नाल ही किया जाएगा। उन्होंने सरकार को आख्या कि इस मामले किसी तरह की ढिल ना वरती जाए।